बनाकर सब देखिएगा, हम यूज करेगा। प्रभु, जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलता हुआ रास्ता जो कि रेलवे स्टेशन और करंडी को जोड़ती है, ये मेन रोड है। और इस मेन रोड के ऊपर आप देख सकते हैं पूरी पूरा का पूरा अंधेरा इधर, और जो करंडी की तरफ जा रही है रास्ता, इसमें पूरा का पूरा अंधेरा इधर। और ये बहुत प्रमुख जगह है हमारे ज़िले की, और इसमें हमें ऐसा लगता है कि 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख ट्रैफिक डेली यहाँ से गुजरते हैं रात में। और क्योंकि उड़ीसा का भी यही मेन रूट है, हमारे स्टेट को कनेक्ट करती है, तो ये अंधेरा, आकूत अंधेरा, ये आपको ये दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यहाँ स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट, जिससे रात में यहाँ रोशनी रहे। और रात की रोशनी ज़रूरी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा और सुविधा यात्रियों के लिए और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। तो ये सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरा अपील है जो भी अथॉरिटी है यहाँ की, कि वो थोड़ा इस पर ध्यान दें, इसका वो संज्ञान में लें और यहाँ पर ज़रूर लाइट का प्रबंध करें, क्योंकि ये लाइट का प्रबंध करना उनके लिए इतना ज़रूरी है जिससे कि यहाँ की जनता और यहाँ पे आने जाने वाले राहगीरों के लिए बहुत ही सुविधा होगी। और ये सुविधा उनको ये बात बताएगी कि हमारे ज़िला में कितने अच्छे काम हो रहे हैं। और अगर उड़ीसा से भी कोई आता है तो झारखंड को या पूर्वी सिंहभूम को बहुत बेहतर तरीके से एक प्रतिष्ठित और एक अच्छे शहर के रूप में जानेंगे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट जो भी है इस मंदिर के जस्ट प्रांगण के सामने है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते और जाते हैं, श्रद्धालु भी आते जाते हैं, यहाँ पर अपना बाजार समिति भी है, बहुत लोगों का आना जाना है, ब्लॉक ऑफिस है, और उसके साथ साथ अगर कहें तो यहाँ पर रहने वाले लोग, जो खास महल एरिया है यहाँ पर, इन सब लोगों के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतर सुव्यवस्थित हो जाएगी अगर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट का प्रबंध कर दिया जाता है, सुरक्षा और सभी सामाजिक लोगों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।